हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद आप सभी लोग बढ़िया होंगे। माई सेल्फ निखिल राजपुरोहित, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स तड़का। ठीक है, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केवीएस पीजीटी फिजिक्स के बारे में, जिसका एग्जाम आपका 17 फरवरी को होने वाला है। ठीक है, ये तुम्हारी लास्ट वीडियो होने वाली है केवीएस पीजीटी एग्जाम फिजिक्स से पहले। ठीक है, इसके अंदर हम तीन चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, और थोड़ी सी छोटी सी वीडियो होगी 10 से 15 मिनट की। तीन चीज़ें हम इसके अंदर कवर करेंगे। पहली चीज़, हाउ टू मैनेज टाइम इन लास्ट डेज। इन लास्ट डेज की अभी तुम्हें जो लास्ट के तुम्हारे 8 दिन रह गए हैं, ठीक है, 7-8 दिन रह गए, उनमें तुम्हें क्या करना चाहिए। दूसरी बात, अभी तुम अगर टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो तो वो तुम्हें कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, तीसरी बात, फाइनल एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और फाइनल एग्जाम अटेम्प्ट करने की जो हैबिट है तुम्हारी, जो तरीका है, वो कैसे बनेगा, उसकी बात करेंगे। ठीक है, इसके साथ एक बात ये भी करेंगे कि इस टाइम पे तुम्हारा माइंडसेट क्या होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हाउ टू मैनेज टाइम इन लास्ट डेज। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, ये मैं चीज़ें अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर तुम्हें चीज़ें मॉडिफाई करनी हो, ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग तुम चीज़ें मॉडिफाई कर सकते हो कि तुम्हारा सिलेबस कितना कंप्लीट है। ठीक है, तुम्हारा पोर्शन कौन सा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तुमने अब तक किस पे ज़्यादा मेहनत की है, कौन से पोर्शन पे ज़्यादा मेहनत की, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें लास्ट डेज में टाइम मैनेज कर कैसे करना है। सबसे पहली चीज़ है, ऑलमोस्ट तुमने सिलेबस कंप्लीट कर दिया होगा। हमारा जो केवीएस पीजीटी फिजिक्स का बैच चल रहा है, ठीक है, उसमें भी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अभी टेस्ट चल रहे हैं उसके अंदर। तो सबसे पहले बात करें लास्ट के 1-2 डेज, अभी तुम 1 से 2 दिन के अंदर तुम्हारा कोई सिलेबस बाकी है। ठीक है, तो वो सिलेबस तुम कंप्लीट करोगे। ठीक है, उसके बाद अभी से तुम रिवीजन भी स्टार्ट कर दोगे। रिवीजन मतलब जो भी तुमने जहाँ से भी पढ़ा है, जो भी थ्योरी जहाँ से पढ़ी है, जो भी असाइनमेंट प्रैक्टिस किए हैं, जो भी टेस्ट पेपर प्रैक्टिस किए हैं, वो सारे के सारे क्या करोगे, रिवाइज करोगे। अगर तुमने कोई चीज़ पढ़ी पहले, उसका रिवीजन नहीं किया, तो फाइनल एग्जाम में वो तुम्हें इतना बेनिफिट नहीं दे पाती है। तो अभी तुम्हें क्या करना है, थ्योरी असाइनमेंट रिवाइज करने हैं। उसके बाद फिजिक्स जैसा जो सब्जेक्ट है, उसके अंदर फॉर्मूले बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो अभी तुम क्या करो, तो आई होप तुम लोगों ने फॉर्मूला शीट और शॉर्ट नोट बनाए होंगे, उनसे रिवीजन करें। अगर नहीं बनाए तो कोई भी नीट या जेई की फॉर्मूला शीट उठाएं, ठीक है, और उससे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ लें। ठीक है, उससे फॉर्मूले पढ़ लें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि वही जो फॉर्मूले हैं तुम बार बार रिवाइज करोगे, सुबह के टाइम एक घंटा उसे रिवाइज कर लोगे, तो तुम्हारे कम से कम 5-6 बार वो फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे, और एग्जाम में तुम्हें जब जरूरत पड़ेगी तो वो फॉर्मूले तुम्हें याद आ जाएंगे। और इसके बाद बात करें PYQ। ठीक है, तो एक कंप्लीट PYQ का सोल्यूशन, ठीक है, यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। 50 क्वेश्चन की वीडियो पहले आई थी, एक 50 क्वेश्चन की वीडियो दोबारा डाल दी गई है, दूसरे 50 क्वेश्चन की वीडियो भी डाल दी गई है। ठीक है, और बात करें PYQ की, वो कहाँ अवेलेबल है, तो वो फिजिक्स तड़का टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दिए गए, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, थ्योरी असाइनमेंट सब रिवाइज करें। ठीक है, चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें कि आपको कम टाइम मिला है, ठीक है, या 2 से महीने में कैसे प्रिपरेशन होती है, आप कॉम्पिटिशन में नहीं है, ऐसा नहीं सोचें। अगर आपने अच्छे से मेहनत की है तो 135 सीट्स बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसमें से एक सीट आप आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, तो लास्ट के टाइम में अभी तुम्हारा ध्यान होना चाहिए, टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, और सिलेबस जो बाकी रह गया उसको एक से दो दिन में कंप्लीट करो। थ्योरी असाइनमेंट जो भी जहाँ से पढ़ रखा है उसको रिवाइज करो। ठीक है, और बात रही सिलेबस की रिवाइज करने की, वो प्रायोरिटी भी तुम्हारी वही होनी चाहिए जो तुम्हें बताई थी और KVS PGT एग्जाम के प्रिपरेशन कैसे करनी है उस टाइम बताई थी। पहली तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए फिजिक्स, उसके बाद तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए पैडागोजी। ठीक है, उसके बाद हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, सबसे लास्ट में तुम्हारी आ जाएगी GS। ठीक है, क्योंकि GS में 10 क्वेश्चन आएंगे और उसके लिए पता नहीं आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो GS वाला पार्ट सबसे लास्ट में पढ़ें, उससे सबसे लास्ट में रिवाइज करें। इसके बाद अगर हम बात करें अभी टेस्ट पेपर कैसे देने हैं, अगर आप लोग अभी कोई टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, तो ये टेस्ट तुम्हें किसके अकॉर्डिंग अटैम्प्ट करने हैं, उस तरीके से अटैम्प्ट करने जैसे तुम फाइनल एग्जाम देने वाले हो। ठीक है, जब टेस्ट दे रहे हो तो सिर्फ टेस्ट पर फोकस करें, ऐसे उसको टाइम पास की तरह या असाइनमेंट की तरह ना सॉल्यूशन करें। ठीक है, उसको एज ए टेस्ट दें और उसी टाइमिंग में दें। उसी टाइमिंग मतलब जैसे कि KVS के अंदर तुम्हारे पास 100 क्वेश्चन फिजिक्स के आने वाले हैं, 80 क्वेश्चन अदर आने वाले हैं, टाइम रहने वाला है 180 मिनट। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं 130-140 मिनट तुम फिजिक्स को दे सकते हो। ठीक है, 130-140 मिनट फिजिक्स को दे सकते हो, मतलब एक क्वेश्चन में अप्रोक्स 1.4 मिनट तुम्हारे पास होंगे। ठीक है, 1.4 मिनट तुम्हारे पास होंगी, तो इतना ही टाइम यहाँ लगाना है। अगर कोई टेस्ट दे रहे हो तो उतना ही टाइम तुम्हें यहाँ लगाना है। अगर पैडागोजी का टेस्ट दे रहे हो तो उसको तो बहुत फास्टली करने की ट्राई करना है।
अगर 40 क्वेश्चन में है, 40 क्वेश्चन है तो उनके अंदर 20 मिनट ही लगाने हैं, ठीक है, या उससे कम ही लगाने हैं। ये बात, और टेस्ट देते टाइम ये ध्यान रखें, टेस्ट ऐसे अटेम्प्ट ना करें कि पहला क्वेश्चन आ रहा है कर दिया, दूसरा आ रहा है कर दिया, ऐसे करते करते 20 क्वेश्चन है तो 20 तक पहुंच जाए, ऐसे अटेम्प्ट नहीं करना है। टेस्ट को हमेशा राउंड सिस्टम में अटेम्प्ट करेंगे। राउंड सिस्टम में अटेम्प्ट करने से क्या होता है, और राउंड सिस्टम में अटेम्प्ट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि 180 मिनट के अंदर जब तुम्हें 180 क्वेश्चन करने हैं तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि तुम कन्वेंशनल तरीके से एग्जाम अटेम्प्ट करोगे, तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे, ठीक है। और टफ क्वेश्चन के चक्कर में अगर किसी भी एक टफ क्वेश्चन पे तुमने बहुत ज्यादा टाइम दे दिया तो आपके बहुत सारे इजी क्वेश्चन छूट सकते हैं। तो इससे अच्छा है तुम पहले राउंड के अंदर, लाइक 180 मिनट अगर तुम्हारे पास है तो तुम्हारे पास दो स्लॉट हो गए, 100 मिनट का एक स्लॉट हो गया और 80 मिनट का एक स्लॉट हो गया। इस ये तो पहला स्लॉट है 100 मिनट वाला, ठीक है। 100 मिनट वाले पहले स्लॉट के अंदर तुम्हें क्या करना है, केवल वही क्वेश्चन करने हैं, ओनली वही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो तुमसे इजीली हो रहे हैं और तुम्हें देखते ही समझ आ रहा है, ठीक है। एक सेकंड लग रहा है तुम्हें उन्हें देखते ही कि हाँ ये क्वेश्चन हो जाएगा, सिर्फ उनको पहले सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद बात करें कि टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करें। सपोज दैट तुम्हारे पास ये क्वेश्चन है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, ऐसे ही करके तुम्हारे पास यहाँ तक 20 क्वेश्चन है, ठीक है। तो सपोज दैट तुमने टेस्ट स्टार्ट किया, इस टेस्ट में 20 क्वेश्चन है और तुम्हारे पास मिनट है 30। अभी फिजिक्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, यही फॉर्मूला तुम उसमें लगा सकते हो जनरल वाले पार्ट के अंदर, ठीक है। और कंप्लीट अगर फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हो तो वो कैसे अटेम्प्ट करना है फाइनल एग्जाम, वो मैं इसकी नेक्स्ट लाइव में तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। जैसे कि तुम्हारे पास पहला क्वेश्चन आया, ठीक है, 30 मिनट थी तो ठीक है, तो उसको दो स्लॉट में बांट लो। पहला स्लॉट तुम्हारा हो गया लगभग 18 मिनट का, दूसरा स्लॉट लगभग तुम्हारा हो गया 12 मिनट का, ठीक है। तो देखो तुम्हें क्या करना है, पहला क्वेश्चन तुम्हें आ रहा है, ठीक है, आ रहा है बट टाइम टेकिंग है, ठीक है, फॉर्मूला है, कैलकुलेशन है, तो क्या करो इसको एक बार स्किप करो, इसको क्या किया एक बार स्किप कर दिया, ठीक है, पर इसको मार्क फॉर रिव्यू कर दो, इसको बाद में देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखा आ ही नहीं रहा, हवा ही नहीं लग रही, समझ ऐसा लग रहा है कभी ये पढ़ाई नहीं है, तो इसको कुछ नहीं करना, इसको डायरेक्ट स्किप करो। तीसरा क्वेश्चन देखा आ रहा है, ठीक है, फिर हाफ आ रहा है, ऐसा लग रहा है ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा नहीं लग जाएगा, कॉन्फिडेंट नहीं, इसको भी स्किप करो, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन बहुत इजी मिल गया, और 5 सेकंड में होने वाला क्वेश्चन है, सोल्व कर दो वहीं पे। फिफ्थ भी ऐसा ही मिल गया, सिक्स्थ भी ऐसा ही मिल गया, सेवन्थ भी ऐसा ही मिल गया, उसके बाद 8, 9, 10 टफ मिल गए, ठीक है, ऐसे लगा बाद में करेंगे इनको, अब ये इमीडिएटली नहीं होने वाले, स्किप स्किप स्किप। इसके बाद बात करें 11th क्वेश्चन 12th क्वेश्चन, तो अब तुम्हें इस तरीके से अटेम्प्ट करते करते, ठीक है, जो क्वेश्चन आ रहा है उसको उसी टाइम अटेम्प्ट करो, जो नहीं आ रहा है उसको एक बार स्किप कर दो, ऐसे करते करते आप 20th क्वेश्चन तक आ गए। आगे यहां तक आते आते आपको दिखेगा कि आपकी लगभग 18 मिनट कंप्लीट हो गई है, इसके बाद आपके पास बचती है 12 मिनट जब बचेगी तो आप देखोगे कि आपने लगभग 7 to 8 क्वेश्चन छोड़ रखे हैं, और आपके दिमाग में आइडिया होगा कि वो क्वेश्चन उतना टफ था या वो उस क्वेश्चन में उतना टाइम लगने वाला था। तो इसके बाद जो क्वेश्चन आपको इनसे ज्यादा थोड़े से टफ लग रहे हो, ठीक है, मीडिएट वाले लग रहे हो या मीडियोकर लग रहे हो, तो उन क्वेश्चन पे थोड़ा सा तुम लोग जाओगे, ठीक है, और टफ वाले क्वेश्चन होंगे वो स्किप ही रहेंगे हमेशा, ठीक है। इस तरीके से तुम्हें अभी टेस्ट अटेम्प्ट करना है, ठीक है, तुम जो फाइनल एग्जाम तुम अटेम्प्ट करने वाले हो वो भी इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। और ये अप्रोच कोई एक दिन में नहीं बनती, एक टेस्ट में नहीं बनती। तुम सोचते हो अब तुम टेस्ट कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो और फाइनल में जाके, फाइनल जो तुम्हारा एग्जाम होने वाला है 17 वाला, उसमें जाके तुम एकदम से राउंड सिस्टम लगा लोगे, टाइम मैनेजमेंट कर लोगे, माइंड सेटअप कर लोगे, ऐसा नहीं होगा। अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हर टेस्ट जो दे रहे हो वो राउंड सिस्टम में दो, ठीक है, इसी अप्रोच के साथ चलो कि मेरे को एक बार पहले राउंड के अंदर सिर्फ इजी क्वेश्चन करने, सेकंड राउंड के अंदर थोड़े से इजी और मीडियोकर वाले जो क्वेश्चन बच गए वो करने, टफ वाले क्वेश्चन तो करने ही नहीं। क्यों? क्योंकि होगा क्या, तुम स्टार्ट करोगे एक टफ क्वेश्चन आ गया, 5 मिनट उस पर खराब कर दोगे, माइंड सेट खराब हो जाएगा, पेपर अटैम्प्ट ही नहीं होगा तुमसे ढंग से, ठीक है। तो ये इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है। इसके बाद बात करें हम फाइनल एग्जाम जो तुम्हारा है, ठीक है, उसको तुमने कैसे अटेम्प्ट करना है, फाइनल एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करना है। फाइनल एग्जाम में देखो क्या है, तुम्हारे पास 180 क्वेश्चन है, ठीक है, और 180 क्या है तुम्हारे पास, मिनट है, ओके। 180 क्वेश्चन के अंदर तुम्हारे पास आ जाएंगे यहाँ पे 100 क्वेश्चन फिजिक्स के, ठीक है, प्लस 40 क्वेश्चन पैडागोजी के, प्लस 20 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश के, प्लस 10 क्वेश्चन जीएस के, 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के और 5 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के, ठीक है। तो तुम्हें इस पार्ट के लिए देने अप्रोक्स 140 मिनट, या फिर कह लो 130 से 140 मिनट, बच गए 40 मिनट, यहाँ चले जाएंगे तुम्हारे 20 मिनट, ठीक है, यहाँ जा सकते हैं तुम्हारे 10 मिनट, ये जो वाला पार्ट बच गया, ठीक है, इसमें तुम्हें 10 मिनट लगाने हैं, वो 10 और 20, मतलब इस पार्ट में तुम्हें 30, मतलब इस पार्ट के अंदर लगभग तुम्हें 40 मिनट ही लगाने हैं, ठीक है। पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका क्या रहेगा, फिजिक्स और रीजनिंग ये तुम पहले अटेम्प्ट नहीं करोगे, फिजिक्स और रीजनिंग ये तुम पहले अटेम्प्ट नहीं करोगे। सबसे पहले तुम्हारे पास फिजिक्स और रीजनिंग के अलावा जो भी आगे आता है तुम्हारे,
चाहे पैडागोजी आए, चाहे हिंदी इंग्लिश आए, चाहे जीएस आई जी, चाहे कंप्यूटर आए, उसको अटेम्प्ट करते जाओगे। अटेम्प्ट करने का मतलब वही तरीका, राउंड सिस्टम वाला, इजी इजी क्वेश्चन। सबसे पहले देख रहे हैं इजी क्वेश्चन, पैडागोजी का पहला क्वेश्चन देखा नहीं हो रहा, ठीक है सोचना पड़ रहा है, टाइम लग रहा है, नहीं करना, स्किप कर दो। सेकंड में भी याद ही नहीं आ रहा, ऐसा लगता ही नहीं है कभी पढ़ा होगा, स्किप कर दो। थर्ड देखा, एक सेकंड में हो रहा है, पांच सेकंड में हो रहा है, कर दो। इसी तरीके से करते 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 तुमने ये पोर्शन कंप्लीट कर देना, ठीक है। फिजिक्स के अलावा जो भी पोर्शन है तुम्हारा, वो पोर्शन कंप्लीट करना है। इसके बाद तुमने क्या करना है, इसमें तुम्हें लगेगी अप्रोक्सीमेट 20 मिनट, ठीक है, 20 मिनट 30 मिनट लगेगी जाएगी इसके अंदर। इसके बाद तुमने क्या करना है, इसके बाद तुमने आना है फिजिक्स पे, फिजिक्स प्लस रीजनिंग, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसके ऊपर। इसमें तुमने, अब तुम्हारे पास होंगे 105 क्वेश्चन, 105 क्वेश्चन के ऊपर गोली की रफ्तार से, ठीक है, अच्छे फोकस के साथ, लेजर बीम का फोकस रखना, ठीक है, माइंड बिल्कुल शांत रख के, ठीक है, फटाफट फटाफट वही तरीका फॉलो करना है। कौन सा? राउंड सिस्टम वाला। पहला क्वेश्चन आया कर दिया, दूसरा नहीं आ रहा छोड़ दिया, तीसरा आ रहा है समझ नहीं आ रहा अभी बाद में करेंगे छोड़ दिया, फोर्थ आ रहा है एक सेकंड में हो रहा है कर दिया। इसी तरीके से करते करते तुम 105 क्वेश्चन कंप्लीट करोगे, और जब सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, एक राउंड तुम्हारा हो गया, तो तुम देखोगे 180 से तुमने अप्रोक्स 100 क्वेश्चन कर लिए होंगे, ठीक है। अब बच गए तुम्हारे 80 क्वेश्चन, अब 80 क्वेश्चन तुम्हारे पास बच गए, और लगभग टाइम भी तुम्हारे पास बचा होगा 70, 80 या 60 मिनट, ठीक है। अब तुमने क्या करना है, और इन क्वेश्चन के अंदर तुम्हें ये लगे, जिस भी क्वेश्चन में ये लगे कि ये हम बाद में कर सकते हैं, ये क्वेश्चन हम बाद में कर सकते हैं, उस क्वेश्चन के अंदर तुम मार्क फॉर रिव्यू कर दोगे। मार्क फॉर रिव्यू मतलब इमीडिएट, जब तुम्हारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट होता है उसके बाद तुम दोबारा से उन्हीं क्वेश्चन पे चले जाओगे, ठीक है। इसके बाद अब तुम्हारे पास कितनी मिनट रहती है, 80 मिनट रहती है, तो अब तुम कौन से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जो इजी बचेगा, जो मीडियोकर वाले बचेंगे, और तुम्हें पता है कौन सा कहाँ है और ज्यादा जल्दी कौन सा होगा, वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। लास्ट के 15 मिनट के अंदर, लास्ट के 15 मिनट में ध्यान रहे, सब छोड़ के लास्ट के 15 मिनट तक तुम्हारा पेपर आराम से कंप्लीट हो जाएगा, और हो भी जाना चाहिए, ठीक है। लास्ट के 15 मिनट में क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन बाकी बचे उनके अंदर तुक्के लगाने हैं। क्या करने हैं? उनके अंदर तुक्के लगाने हैं। क्यों लगाने हैं? क्योंकि नो नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो लास्ट के 15 मिनट के अंदर जितने भी क्वेश्चन तुम्हारे बच गए उन सब के अंदर तुम्हें ऑप्शन फिलअप करने हैं। ऑप्शन फिलअप भी ऐसे नहीं करने कि देखा तुमने ए बी सी डी में से कोई भी भर दिया, ठीक है, भगवान का नाम लेके कोई भी ऑप्शन टिक कर दिया, ऐसा नहीं करना। क्वेश्चन देखना, 5 सेकंड देखना उसको, फिर क्या लग रहा है इनमें कौन सा हो सकता है वो कर देना। बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा क्या हो सकता है, तो वहां तो कुछ भी करके आ जाना, पर कोई भी ऑप्शन खाली नहीं छोड़ना, ठीक है। एक बार दोबारा रिवाइज कर दूं, और जो फाइनल एग्जाम का तरीका है वही तुम्हें अप्लाई करना है अभी, जो तुम टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, इन दिनों जो टेस्ट दे रहे हो उनके अंदर फाइनल एग्जाम वाला तरीका अप्लाई करना है, ठीक है। क्योंकि हैबिट एक दिन में नहीं बनेगी, अभी बता रहा हूँ, अभी तुम अपने तरीके से एग्जाम दे रहे हो और सोचते हो सीबीटी एग्जाम में जाके, फाइनल एग्जाम में जाके हम अच्छे से खेल लेंगे, राउंड सिस्टम फॉलो कर लेंगे, नहीं होगा। अभी से उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। जब भी टेस्ट दो इन 7-8 दिनों के अंदर इस तरीके को फॉलो करो। थोड़ा सा दोबारा बताता हूँ, 100 क्वेश्चन है, 180 मिनट है, ठीक है, नहीं 180 क्वेश्चन है और 180 मिनट है। इसमें से 100 क्वेश्चन फिजिक्स के हैं, ठीक है, इसमें इसके लिए जाएगी लगभग 130 to 140 मिनट, ठीक है। और पहले क्या सॉल्व करना है, फिजिक्स के अलावा जो भी पार्ट बच गया वो पहले सॉल्व करना है। पेपर हमेशा राउंड सिस्टम के में करना है। पहले राउंड जो वन होगा इसके अंदर सबसे पहले होगा तुम्हारा पैडागोजी वाला पार्ट, मतलब फिजिक्स के अलावा सारा पार्ट, उसके बाद होगी फिजिक्स, ठीक है। ये राउंड एक कम्प्लीट होगा, इसके बाद दोबारा पैडागोजी वाला पार्ट आएगा, इसके बाद दोबारा फिजिक्स आएगी, इसके बाद लास्ट में बच जाएंगे 15 मिनट, तो उसके अंदर सारे के सारे जो क्वेश्चन बचेंगे जो किए हुए नहीं है उन पे तुक्के लगाने हैं। रीजन क्या है? नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग तुम्हारे पास नहीं है, ठीक है, ऐसे। और घबराना नहीं है, पेपर में बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना। पेपर का लेवल कैसा भी आ सकता है, हो सकता है इजी आए, हो सकता है मीडियोकर आए, या हो सकता है बहुत ही टफ आ जाए, ठीक है। तीनों कंडीशन के अंदर अगर तुम्हारा मानसिक संतुलन सही है, मेंटल, तुम एक अच्छी मेंटल स्टेट के अंदर हो, ठीक है, कॉन्फिडेंट हो, मेहनत की है, तो अगर तुमने 2-2.5 महीने मेहनत की है तो तुम कॉन्फिडेंट होगे, ठीक है, उस कॉन्फिडेंस को लेके जाए, ठीक है। और लास्ट के 8-10 दिन के अंदर अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, जो पढ़ा है जितना पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करें, बिल्कुल भी टेंशन ना रहें, काफ़ी चीज़ों से दूर रहें, ठीक है। ज़िंदगी को मैनेज कर दें, अब पढ़ाई को मैनेज ना करें, अब ज़िंदगी को ही मैनेज कर दें। थोड़ा बहुत टाइम मिले तो खा लो और सो जाओ, बाकी टाइम कंप्लीट रिवीजन पे ध्यान दो, ठीक है, कंप्लीट रिवीजन पे, सोशल मीडिया वगैरह सबसे दूर रहो, ठीक है। तुम्हारा कंप्लीट फोकस एग्जाम पे होना चाहिए, और बहुत सारे एग्जाम पे फोकस होने की जगह लाइक गेट का एग्जाम है, सेट का एग्जाम है, रीट का एग्जाम है, तुम्हारा KVS PGT का एग्जाम है, KVS TGT का एग्जाम है, या NVS का इंटरव्यू है, ठीक है, आर्मी स्कूलों के भी इंटरव्यू चल रहे थे। तो अगर तुमने सही से केवीएस को टारगेट कर रखा है, ठीक है, और अच्छी प्रिपरेशन है, तो इसी पे ही ध्यान दें, ठीक है, क्योंकि ये वैकेंसी 4 साल में एक बार वैकेंसी निकली है, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें हर बार ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो 8-10 दिन की बात है,
आठ दस दिन में अच्छे से मन लगा के मेहनत करो, जो पढ़ लिया उसको अच्छे से रिवाइज करो, टेस्ट दो राउंड सिस्टम के साथ, ठीक है, बिना टेंस्ट हो, ठीक है, और फाइनल एग्जाम की तरह ही हर दिन पेपर को अटेम्प्ट करो, जो जहाँ से पढ़ा है उसको रिवाइज करो, ठीक है, एक दो दिन के अंदर अगर थोड़ा सा और कवर कर सकते हो, जो सिलेबस बाकी रह गया वो कवर करो, जहाँ से भी पढ़ रखा है उन टीचर्स पे बिलीव करो, खुद की मेहनत पे बिलीव करो, ठीक है, तो तुम्हारी तुम्हारा सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। 135 सीट बहुत ज़्यादा होती है, इसमें से एक सीट तुम आराम से निकालोगे, ठीक है, बाकी कोई टेंस होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और अच्छे से पढ़ा है तुमने तो तुम्हारा एग्जाम अच्छा ही जाने वाला है, ठीक है, और आई होप तुम सिलेक्शन लेके आने वाले हो, ठीक है, और बाकी तुम्हें कोई भी क्वेरी हो, ठीक है, एग्जाम टाइम में कोई भी बात करनी हो तुम्हें, ठीक है, तो तुम फ्रीली कमेंट कर देना नीचे, टेलीग्राम चैनल है और फिजिक्स सर का, उस पर कनेक्ट हो जाना, ठीक है, और बाकी कॉन्टैक्ट नंबर भी तुम्हारे पास होंगी, उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए और अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ते रहें, चीज़ों को लेकर स्ट्रेस ना हो, ठीक है, मेहनत करते रहें, 10 दिन की बात हो रहा है, 10 दिन के बाद एक अच्छा सा ब्रेक ले लेना, पर 10 दिन जी जान लगा के केवीएस के लिए मेहनत करो, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।